जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिला अस्पताल के शासकीय निकाय की बैठक संपन्न हुई है, जिससे कि जो धनराशि उपलब्ध है उसकी विस्तृत रूप से कार्य योजना बनाया जाए कि कौन सी धनराशि कहाँ खर्च करनी है और कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्वक संपन्न करवाया जाए। जिला अस्पताल में जो भी कमी है शासन के निर्देशानुसार दूर किया जाएगा और एक आदर्श जिला अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे सभी मरीजों को उच्च कोटि की सेवाएं मिले। इस अवसर पर एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एनएन प्रसाद, एसआईसी डॉक्टर एसपी सिंह सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जिला चिकित्सालय गोरखपुर में मरीजों के हित के लिए आवश्यकता अनुसार राज्य बजट एवं दूसरे बजट उपलब्ध न होने की वजह से वर्ष 22-23 में ये कमेटी जो है सर, गवर्निंग बॉडी इसमें आपकी अध्यक्षता में होती है सर, आप अध्यक्ष होते हैं सर, सदस्य सचिव एसआईसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं सर। जनरेटर के डीजल क्रय के उपरांत भुगतान किया जाना है सर। जिला चिकित्सालय गोरखपुर में विशेष परिस्थिति में लेखन मुद्रण स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग एवं कंटीजेंसी तथा चिकित्सालय में स्थापित अभी जिला अस्पताल के शासकीय निकाय की बैठक संपन्न हुई है, उसमें जो धनराशि उपलब्ध है उसके लिए विस्तृत योजना बनी है और उसको समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। जो भी कंज्यूमेबल्स जिला अस्पताल के लिए चाहिए, हमारी मंशा है कि शासन की मंशा है और उसके अनुसार हम लोग जिला अस्पताल को एक उत्कृष्ट इकाई के रूप में सृजित कराने के लिए गैप एनालिसिस करते उसको संतृप्त कर रहे हैं और कोशिश यही है कि वहाँ पर जितने भी मरीज आ रहे हैं उन सबको उच्च कोटि की सेवाएँ मिलें।